तो पत्ते का खड़कने का निजाम तो वो है जहां पर किसी का इख्तियार नहीं, तुम्हारे अमल के नतीजे के ऊपर तुम्हारा इख्तियार नहीं है, लेकिन तुम्हारे अमल के लिए अल्लाह ने तुम्हें आजादी दी है, इसके लिए तुम्हें बनाया था, पैदा किया था कि हम देखें तुम क्या करते हो। इसमें उसने किसी जगह पहले से डिसाइड नहीं किया, पहले से तय नहीं किया, तुम्हें अपना जन्नत जहन्नम खुद तय करनी है, तुम्हारा अपना इख्तियार है कि तुम क्या करते हो। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha adaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a masathum idha lahum makrun fi ayatina. Jab hum logon ko maza chakhate hain apni rehmat ka takleefon ke baad, वो तकलीफ़ें जो उन्हें पहुंचती है, कोई तकलीफ़ में पड़े हों उसके बाद, तो फिर देखो कि वो लोग हमारी आयात में मकर करने लगते हैं, फरेब करने लगते हैं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 21 से दर शुरू हो रहा है, इसका 10:21, और ऊपर से जो सिलसिला चला रहा था जाए था कि वो लोग जिन्हें तज़किरा उनका, वो लोग जिन्होंने फरमाया कि हमारी आयात को झुठलाया, और मैंने आपको बताया था कि झुठलाने वाले एक इनकार करने वाले होते हैं, एक झुठलाने वाले। इनकार करने वाले कुरान उन लोगों के लिए इस्तेमाल करता है जो ईमान से बिल्कुल बाहर होते हैं और जो इसे अल्लाह का कलाम मानते ही नहीं, और झुटलाने वाला उनको कहते हैं कि जो दावा करते हैं ईमान लाने का, कुरान को कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, और उसके बाद अपने अमल से उसे झुटलाते हैं या उसमें कुछ काट छाट करते हैं, उसमें तरह तरह के रास्ते निकालना चाहते हैं और अपने अमल से उसे झुटलाते हैं। तो ये उन लोगों का तज़किरा चला रहा था। उस ये आयत उस कंटेक्स्ट में है कि अब आगे का मज़मून भी, कि तर्ज अमल इनका ये है जिनका ईमान मज़बूत नहीं होता, पूरा के पूरे पर ईमान लाना नहीं चाहते, कुछ रास्ते बचने के निकालते हैं या कुछ तोड़ मरोड़ करते हैं, कहते हैं इसका कुछ तो मफहूम में तब्दीली करो, ऐसे काबिल अमल कैसे होगा। तो उनको जब तकलीफ़ों के बाद वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतम मिन बादि ज़र्रा मस्सतहुम, और वो करते दुनिया की वजह से, यानी ये चीज़ें इसलिए करते हैं कि दुनिया की लालच और उसके दीन के रास्ते पे अमल करने के लिए और चलने में जो रुकावटें आती हैं वो दुनिया उनके कदम खींच रही होती है। तो फिर जब वो तकलीफ़ों से, उसकी वजह से कोई वक्ती अगर किसी ऐसे खुशगवारी के माहौल में पहुंचते हैं, जैसे फरमाया कि हम जब उन्हें रहमत का मदा चखाते हैं तकलीफ़ों के बाद, तो बजाय इसके कि शुक्रगुजार हों, वो और हमारी आयात में मकर करने लगते हैं। मकर करने का मतलब है मैंने चालें चलना, तरह तरह की मकर चालों को कहते हैं, कि हमारी आयात के बारे में तरह तरह की चालें चलने लगते हैं। तो अपनी रहमत का मज़ा चखाना है, खुशहाली आती है तकलीफ़ों के बाद, तो शुक्र अदा करने के बजाय अब जाहिर है कि उसके अंदर दीन के रास्ते पे चलने में बहुत सी उन चीज़ों को छोड़ना होगा, कुछ कुर्बानियाँ होंगी, कुछ आजमाइशें होंगी। जब वो उनसे बचना चाहते हैं तो फिर वो तरह तरह की चालें चलने लगते हैं, चालें हमारी आयात में, यानी वो
मफहूम ही गड़बड़ करते हैं उसका अपनी सहूलत के लिए निकालने के लिए, जो हमारी अल्लाह ने फरमाया जो हमारी आयात हैं उनके मफहूम में गड़बड़ करते हैं बचने के रास्ते निकालने के लिए। कुलिल्लाहु असरउ मकरा से कह दो के तदबीर जो है, तदबीरें और चालें जो हैं वो तो अल्लाह की बहुत ज़्यादा बहुत सुरत के तो बड़ी तेज़ हैं, लेकिन वो जो मज़मून आपके सामने आता चला गया है, कुरान ने जगह जगह कहा कि नताइज फौरन सामने महसूस शक्ल में नहीं आते, अल्लाह की तरफ से जो इसे कानून मकाफात अमल कहते हैं, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, उनकी चालों के बदले में जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए तदबीर आती है या उनके रोकने की या उनके अंजाम की जो चीज़ें मुरतब होती हैं वो नज़र फौरन नहीं आती, वो गैब में रहती हैं और सिलसिला चलता रहता है उसका ज़हूर में शहादत में आने से पहले 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 वो बेहोश रहते हैं और समझते हैं कि हमारी कामयाबियां चल रही हैं, कामयाबियों का रास्ता चल रहा है। इन्ना रसूलना यक्तबूना मा तमकुरून, हमारे भेजे हुए जो कुछ भी मकर तुम करते हो, जिस तरह की चालें भी तुम चलते हो, इनसे कह दो कि हमारे भेजे हुए उस सब को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस भेजे हुए जो रिकॉर्ड कर रहे हैं का मतलब उसे न समझिएगा कि वो जो पुराना समझने का अंदाज था कि एक कंधे पे वो किरामन बैठे हुए हैं, कंधे पे कातिबीन बैठे हुए हैं, ये दो फरिश्तों के नाम। अरे कातिबीन तो जमा हो गई भाई, कातिब का ही होता, कहा होता तो कोई एक होता, दो भी नहीं हुए, कातिबीन बहुत से, तो एक पे किरामन बैठे हैं, एक पे कातिबीन। किरामन कातिबीन, ये किरामन बने बहुत बुजुर्ग, बहुत इज्जत वाले, गलती न करने वाले, नाफरमानी नहीं करने वाले, और कातिबीन रिकॉर्डर्स। तो ये एक तमसीली बात थी जो कहीं उनमें समझाई गई हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर की समझ के हिसाब से लोगों को समझाया। सूरह कहफ़ की तफसीर में आपके सामने ये आया था कि यहाँ जितनी तब्दीलियाँ आती हैं, जितनी चीज़ें सामने आती हैं, उनके बैक में, उनकी पुश्त में कुछ ना कुछ रीज़न होता है, मादी कोई वजह होती है जिसकी वजह से कोई बातचीत हो, उसके पीछे फिर उसका रीज़न होता है, उसके पीछे उसका रीज़न होता है, और अल्टीमेटली ऐसा होता है कि आखिर में ऐसा होता है कि लेकिन कोई ना कोई सबब होगा जो सबसे पहले होगा जिससे वो सिलसिला चला सारा, और फिर कोई वाकया ज़हूर में आ गया। तो सबसे पहला सबब उसको मूव करने वाले जो हैं, उस सबब को पैदा करने वाले या उसे हरकत देने वाले वो जो हैं वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होते हैं, वो फरिश्ते होते हैं। और ऐसी कायनात के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अब आजकल तो बहुत आसानी के साथ समझ में आ सकता है कि अल्लाह का निज़ाम है कि हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, इस रिकॉर्डिंग के पीछे भी कि हर चीज़ का रिकॉर्ड होना एक साइंटिफिक बात है, लेकिन ये कि वो उस रिकॉर्ड होने के जो असबाब हैं उसका सिलसिला जो है उनका भी मूव करना वो अल्लाह की तरफ से जो मुकर्रर होते हैं वो लोग करते हैं। तो उसे इस ज़बान में कहा गया कि बेशक हमारे भेजे हुए जो कुछ भी तुम मकर करते हो उसे सब लिखते रहते हैं, सब उसे रिकॉर्ड करते रहते हैं, यानी तुम्हारी हर चाल, हर अमल, हर जो कुछ भी तुम्हारे इरादे हैं वो सब रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्र वल बहर हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क व जरैना बिहिम बिरीहिन तय्यिबतिन फरिहू बिहा, और वही है जो तुम्हें समंदर में या दरिया में, पानी में और खुश्की में तुम्हें चलाता है, खुश्की पर सफ़र करते हो, समंदर पे सफ़र करते हो। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क व जरैना बिहिम बिरीहिन तय्यिबतिन फरिहू बिहा, और जहाज़ों में बैठते हो, शिप्स में, कश्तियों में बैठते हो, और हवा जो होती है वो मुआफिक होती है, चल रहे होते हैं, और लोग बड़ा अच्छा मूड होता है, खुश होते हैं कि बड़ा अच्छा सफ़र जा रहा है, खुशगवारी के साथ जा रहे होते हैं। जहाज़ा रिहुन आसिफ़ों व जाहमुल मौज
من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم, اور پھر ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں تیز, اور دو اور پھر لہریں جو ہیں وہ پانی کے اندر موجیں جو ہیں وہ تموج جو پیدا ہوتا ہے ویوز بہت اونچی اونچی, من کل مکان چاروں طرف سے جیسے آ رہی ہوں. اور اس کے بعد پھر جب وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اب تو ہم گر گئے, دعو اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہادی لنکن من الشاکرین, تب وہ اسے پکارنے لگتے اس کے قانون کے مخلص ہو کر, دین کے لیے مخلص ہو کر, مخلصین لہ الدین اس کے دین کے لیے مخلص ہو کے پھر اللہ کو پکارنے لگتے. اب آپ نے اب اگر نجات دے دی اور بچا لیا اس سے تو یقیناً ہم لازماً شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے. اس سے پہلے ہوش نہیں ہوتا جب پھنس جاتے ہیں چاروں طرف سے, اس وقت یہ ہوتا ہے. تو پھنسنے کی ایک ایکسٹریم بتائی ہے, وہاں سمندر میں خشکی میں تو پھر بھی ہوتے ہیں ادھر ادھر سے آ سکتے ہیں, سمندر میں دور دور تک کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. کشتیاں پہلے چلتی تھیں, اب جو شپس ہوتے ہیں ان میں بہت انتظامات کیے گئے ہیں, موجیں نہیں ہوں تو صرف ہوا ہی اگر تیز چلے تو اس سے خطرہ پیدا ہوتا تھا, لیکن اب شپس جو ہیں انہوں نے بہت کچھ ڈیزائننگ کے اندر یہ کیا ہے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچے, سفر جاری رہے تیز ہوا میں بھی اور موجوں میں بھی. لیکن یہ دونوں الگ الگ ہوتی ہیں, ضروری نہیں کہ ہوا چلے تو اس سے موجے پیدا ہوں, لیکن ہوائیں جب بہت تیز ہوتی ہیں تو وہ ہوائیں بھی اس کا ذریعہ بنتی ہیں کہ سمندر کے اندر طوفان آ جائے اور موجے جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں. زمین کے اندر کے ذرائع بھی ہوتے ہیں کہ اندر کوئی ہلکا سا زلزلہ آیا, یا اندر کے ریزنز بھی ہوتے ہیں سمندر کی تہہ کے بھی, سمندر کے اور اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ ہوائیں بھی ہوتی ہیں جو موجے پیدا کرتی ہیں تیز ہوں اگر. تو جب چاروں طرف سے گھراؤ ہو اس وقت پھر وہاں پر کوئی ریسکیو کرنے والا نہیں ہوتا, بچانے والا نہیں ہوتا دور دور تک. تو پھر اس وقت پھر وہ دین کے لیے خالص ہو کر پھر دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر پکارنا شروع کرتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہوں گے اگر ہم بچ جائیں, ہمیں اگر نجات مل جائے اس تکلیف سے. یہ صرف ایک مثال ہے, اصل تو پوری زندگی کی بات ہے کہ زندگی میں جب چاروں طرف سے کوئی گھراؤ آ جاتا ہے, مشکلات کے بعد پھر رحمت آئی, تکلیفیں دور ہوئیں, بھول جاتے ہیں شکریہ کرنا, ہو پھر اگر چاروں طرف سے کہیں گھراؤ آتا ہے تو اس گھراؤ میں جو ہے وہ پھر لمبے لمبے وظیفے بھی ہوتے ہیں, اور پھر اللہ کو یاد کرنا بھی ہوتا ہے, اور پھر سب طرح کی وہ پابندیاں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ دعا کی جا سکتی ہے وہ سب شروع ہو جاتا ہے. تو اور اس کے بعد پھر بڑے وعدے ہوتے ہیں کہ بس اس مرتبہ تو اب ہم ایسے ہی کریں گے کہ آپ کے فرما بردار رہیں گے, آپ کے شکر گزار رہیں گے. یہ مستقل یہ انداز ایک بڑی تعداد کا چلا آتا ہے, فلما انجاہم, اور جب ان کو دے دیتے ہیں ہم نجات, اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, تو پھر وہ سرکشی شروع کرتے ہیں زمین پر جس کا انہیں حق نہیں ہے, بغیر حق, انہیں جن چیزوں کا اس کا اختیار نہیں ہے, ان چیزوں کے اس کا امن بگاڑ, اس کا امن و امان کا ماحول جو ہے اس کا بگاڑنے کا, انفرادی طور پر بھی, گروپ جماعتی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی, جب وہ اس کے بعد جب ان کو سمجھتے ہیں کہ بھی خطرے سب طرف سے ختم ہو گئے, تو پھر اس وقت وہ سرکشی جو کرنا شروع کرتے ہیں اس میں ساری حدیں توڑ دیتے ہیں, بغیر الحق. یا ایھا الناس انما, اے لوگو سن لو, انما بغیکم علی انفسکم, یہ سب اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے اور فوراً ہی ہاتھ کے ہاتھ اس کا نتیجہ بھی تمہیں ملتا چلا جا رہا ہے, ہاں وہ سامنے نہیں آیا محسوس طور پر. تو پھر یہ تمہاری جتنی بغاوتیں ہیں, تمہاری جتنی سرکشی ہے تمہاری, اسے تم نہیں محسوس کرتے اور نہیں جانتے کہ یہ سب اس کی ذمہ داری, اس یہ علی انفسکم, تو اس کا انجام جو تمہارے سامنے آئے گا تم ہی اس کے ذمہ دار ہوگے, تم نے جو کچھ کیا تھا اس کا انجام سامنے آنا ہے, اور یہ تمہارے ہی خلاف سرکشی جو ہے یہ اپنے نتیجے مرتب کرے گی جو کچھ تم کرتے ہو. ہمارے انڈیویجول
इनफिरादी जिंदगी में भी यही होता है और इज्तिमाई जिंदगियों में भी यही होता है, और ये सियासी अमल के अंदर और ज्यादा आपको नजर आएगा तारीख के अंदर खास तौर से कि बगावतें उनकी जो कुछ भी होती हैं, उनकी सरकशियां जो होती हैं, उनके जो फसाद होते हैं जो जमीन के अंदर, ये समझते हैं कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हमारी पावर हमेशा चलेगी, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसके बाद फिर वो सजा का सिलसिला शुरू होता है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। उन सजाओं के असबाब बन रहे होते हैं बैक में, पुश्त में, जो एक दिन सामने निकल कर आता है। उससे चंद दिन पहले भी वो समझते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कुछ बिगाड़ सकता। तो ए दुनिया के इंसानों, ये तुम्हारे जो फसाद हैं, तुम्हारी बगावतें, तुम्हारी सरकशी, इसका इसके अंजाम की जिम्मेदारी भी तुम्हारी अपनी ही होगी, तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से होगा, तुम्हारे अपने तर्ज अमल की वजह से हो गई जब तुम्हारे साथ कुछ आएगा। ये किस वजह से होता है? ये सब दुनिया की जिंदगी की वजह से होता है। तो कहा ये मता हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी के मता की वजह से होता है ना, दुनिया की जिंदगी के साजो सामान। लेकिन ये बहुत छोटा सा है, ये बहुत कम है। सुम्मा इलैना मर्जिउकुम, हमारे ही तरफ तुम्हें वापस आना है, तुम्हें लौटाया जाएगा, और तब भी लौटाया जाएगा मरने के बाद। और अल्लाह के कानून का सामना बहुत अक्सर यहां पे भी करना पड़ेगा, तुम्हें हमारे कानून की तरफ लौटाया जाएगा, हालात बदल जाएंगे। फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और वहां की बात भी है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा कच्चा चिट्टा आ जाएगा, हम तुम्हें खबर दे देंगे कि ये तुम्हारे अमल थे जिसका तुम्हारे सामने ये अंजाम आया। और यहां भी जब इस किस्म के इनकलाब आएंगे और बड़ी तब्दीलियां आएंगी, तो उस वक्त फिर जो लोग किसी जगह 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 जब वो फंसे होंगे, जब वो फंसे होंगे तो फिर ज़बान हाल लेनी, कहीं ऊपर से कहीं आवाज़ नहीं आएगी कि अल्लाह ने कहा हम तुम्हें खबर कर देंगे, खबर हो जाएगी, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। उसे ज़बान हाल कहते हैं कि ज़बान हाल पुकारेगी, हालात पुकारेंगे कि देखो ये तुम क्या करते रहे थे, तुम्हारे सामने आना क्या चाहिए था, इस वक्त क्या आना चाहिए था तुम्हारे साथ, जो कोई तुम करते रहे थे उसका नतीजा आना चाहिए था सामने। तो ये तुम्हारे आमाल हैं, तुम खुद देख लो कि कितनी सरकशी करते हो, कब यहां पर भी दुनिया में भी अल्लाह के फैसले आते हैं, थोड़े से दिनों सब कुछ मालूम हो जाने के बाद, अल्लाह की आयात सामने आ जाने के बाद फिर सरकशी करते हो। दर्द तकलीफ जरा सी छोटी मोटी तकलीफें दरमियान में आती हैं तो दुआएं करनी शुरू कर देते हैं, ज्यादा बड़ी घिराव हो जाता है तो बिल्कुल ही यवादे होते हैं कि अब तो बिल्कुल सही रहेंगे, और फिर उसके बाद जरा रिलीफ मिलता है फिर उधर चले जाते हो। और सिर्फ चले ही नहीं जाते, उसके अंदर उन कवानीन को, उन कानूनों को तोड़ने लगते हो, उस बैलेंस और तवाज़ुन को जो तुमसे कहा गया था कि इसके तहत तुम्हें रहना है। तो फिर इसका अंजाम तो तुम्हारे सामने आएगा, कभी यहां पर आएगा दुनिया के अंदर, अल्लाह के कानून की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा, और फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। और ये हालात जो है वो जैसे पुकार रहे होंगे कि तुम्हारे अमल थे, कर क्या रहे थे पहले, ये उसका बदला है तुम्हारे सामने। और इस दुनिया से जाने के बाद भी ये बता दिया जाएगा कि तुमने किया क्या क्या था। दुनिया की जिंदगी की बात करते हो, इसकी मिसाल सुनो। इन्नमा मसलुल हयाती दुनिया कमाई नंदलना मिन समाए फ़ख़लत भी नबातुल अर्ज। मिसाल इसकी सुनो, तुम दिन रात देखते हो कि जैसे आसमान से पानी बरसता है या नाजल होता है, फिर ज़मीन के अंदर जो रोएदगी होती है, नबातात वेजिटेशन होता है, उसके अंदर अपनी सलाहियत तो होती ही उगने की। अब पानी आया, दोनों साथ में जब उनके इम्तिजाज से, उनके मिलने से फिर दोनों मिले, अब जो कुछ होगा उसके अंदर मिम्मा याकुलुन नास वला नाम, हरियाली चारों तरफ हो गई, इंसानों की भी भूख का सामान खेती है जिसमें जानवरों की भी भूख का सामान, जैसे इंसान और जानवर खाते हैं। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत वज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अम्रुना लैलन व नहारा। यहाँ तक के ये तुमने देखा होगा, ये मिसाल दी जा रही है कि ऐसा भी, ऐसा बहुत होता है, ऐसा भी होता है कि ज़मीन जो है वो ऐसा है जैसे सिंगार किए हुए, उसके फूल भी हैं खुशनुमा, फल आ रहे हैं वो भी खुशनुमा हैं,
खेती फल फूल रही है, और उन्होंने ये समझा जमीन वालों ने कि अब हम बस खेती कटने वाली है, और हमारी तरफ से दिन या रात में हमारा फैसला आ पहुंचा, हमारा अमरा पहुंचा। अतः अमरुना लैलन व नहारा फजालना हसीदन कालम तगना बिल अम्स, और ऐसी सफाई हो गई पानी की वजह से हुआ, और यही पानी बढ़ गया, यही पानी बढ़कर अल्लाह का अम्र आया, यही पानी बढ़ गया तो वो उस सैलाब के अंदर सब साफ हो गया, बड़े बड़े दरख्त जो है वो जड़ों से गए, इस खेती की क्या है। तो ये तो तुम्हारे हाथ के अंदर तो इतना भी नहीं कि उन सैलाबों के सिलसिले में कुछ भी कर सको, जाने बचाकर भागना भी आसान नहीं होता। तो समझते ही हो कि बड़े खुश हैं कि बस अब खेती काटने के दिन आ गए। कज़ालिका नुफस्सिरुल आयात लिक़ौमिन यतफक्करून, और इस तरीके से हम अपनी आयात को बहुत समझा समझा कर जुदा जुदा करके रखते हैं, किन लोगों के लिए, वो जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। सोचो इसके ऊपर, ये तुम्हारी ज़िंदगी की मिसाल दी गई, दुनिया की ज़िंदगी की ये है, इसे जिसे ये कह के शुरू किया कि ये एक मिसाल है दुनिया की ज़िंदगी की, कि खुशहालियाँ आती हैं और वही चीज़ें, हवाएं बड़ी गर्मी है, हवाएं जो हैं वो बहुत खुशगवार हवाएं चलती हैं, बड़े खुश हैं, और वही हवा तेज़ हो जाए तो पूरी पूरी बिल्डिंगें उखाड़ कर ले जाए। अल्लाह का अम्र अगर आ जाए साथ, तो अल्लाह का अम्र, अल्लाह का फैसला जो नज़रों से पीछे होता है, वो जब सामने आ जाता है, उस अम्र उसके उससे पहले पहले होता है जब तक वो सामने नहीं आया। तो ये मिसाल सुनो कि कितना ही कैसी खुशगवारियाँ हों, इंसान के कंट्रोल में नहीं है, न जलजलों को कंट्रोल कर सका आज तक, न सैलाबों को कंट्रोल कर सका आज तक, यही पहले से पता नहीं होता कि अब आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा कहीं सैलाबों का, साइक्लोन्स का, थोड़ा थोड़ा सा कहीं से होने लगा, करें क्या, पूरी बस्ती भाग जाए, कहाँ जाए, और वो भी ये कि अपने रूट बदल लेती हैं, बहुत एक्यूरेट नहीं होता, अर्थक्वेक्स के बारे में कुछ पता नहीं, तूफानों के बारे में जो है वो थोड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा होता है, रूट बदल लेती हैं हवाएं, एहतियात किसी और जगह कर रहे थे, वो निकल गए किसी और जगह और वहाँ पर उन्होंने उखाड़ दिया और सब तबाही आ गई, चारों तरफ वहाँ आ गई। तो ये अल्लाह का फैसला आ जाता है, ऐसे मौके पर आ सकता है तुम्हारी तबाही का, जिस वक्त तुम बहुत मगन हो उसके अंदर कि तुमने जो कुछ किया था कि अब हम यहाँ खुशी के साथ में अपनी फसल काटने जा रहे हैं, तो फसल तो ऐसी हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। तो ये मिसाल दी है, खाली फसल ही ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे कारोबार हैं, तुम्हारी ज़िंदगी की और खुशगवारियाँ ऐसे कि जैसे कभी खुश रहे नहीं थे, वो सब का सब अल्लाह का फैसला है, तो सारा का सारा जो है वो ख़त्म हो जाता है। फजालना हसीदन का अल्लम तगना बिलम्स, और इस तरीके से कज़ालिका नुफस्सिरुल आयात लिक़ौमिन यतफक्करून, और हम ये मिसालें दे देकर इस तरीके से जुदा जुदा करके बहुत वजाहत के साथ में अपनी आयात को बयान करते हैं, जो लोग गौर व फिक्र करें। कुरान ने कहा तुम हमारी आयात तुम्हें चारों तरफ बिखरी हुई नज़र आती हैं, उन पे से तुम गुजर जाते हो, गौर ही नहीं करते। तो जो तफक्कुर करें, गौर करें, देखें, तो वो समझेंगे इस बात को। वल्लाहु यद्उ इला दारिस्सलाम, और यहाँ ये मुसीबतें आ जाती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, यहाँ पर अंजाम फौरन सामने नहीं आए तो बाद को जाकर इस दुनिया के बाद अंजाम सामने आएगा, और अल्लाह तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा है, जिस रास्ते की तरफ बुला रहा है, वहाँ सलामती ही सलामती है। यद्उ इला दारिस्सलाम, वहाँ सिर्फ सलामती है, वहाँ अमन है सिर्फ। यहाँ की ज़िंदगी के अंदर जो है वो खौफ है, यहाँ की ज़िंदगी के अंदर भूख भी है, यहाँ की ज़िंदगी के अंदर नुकसानात भी हैं, और सामने से कुछ ये भी है कि कहीं कहीं ऐसा भी महसूस होता है कि बड़ी खुशियाँ हैं, बड़ी कामयाबियाँ हैं, लेकिन वो कामयाबियाँ अगर सरकशी के साथ में हों, उसके कवानीन को तोड़ने के साथ में हों, तो कभी उसका अंजाम यहीं सामने आ जाता है, कभी इसके बाद फिर लंबा, बहुत लंबा जो है वो अरसा, हमेशा का अरसा गुजरेगा, जिसके अंदर फिर वो उन नुकसानात को भुगतते रहेंगे। और अल्लाह के कवानीन के ऊपर अमल करो, अल्लाह की पुकार, कितना अजीब अंदाज है कि अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, अल्लाह की पुकार, तो अल्लाह की पुकार पर लब्बैक क्यों नहीं कहते, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, अल्लाह तुम्हें दावत दे रहा है, इन्विटेशन अपने तुम्हारे यहाँ आते हैं किस अपने जानने वालों के, अगर ये मालूम हो कि कोई बड़ी दावत है, बड़े आदमी की, तो बहुत लोग भागे भागे जाते हैं, वो ज़बरदस्त होगी। तो और अल्लाह की दावत और अल्लाह की पुकार, अल्लाह का बुलाना और अल्लाह का इनविटेशन, उसके अंदर तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है, अमन भी है वहाँ पर उसके अंदर, और अमन भी है दोनों चीज़ों से, खौफ और गम से, और हर तरह की खुशहालियाँ हैं, हर तरह की वहाँ पर गम से नजात है। वयादी मैं यशा इला सिराते मुस्तकीम,
और जो कोई चाहता है सीधे रास्ते की तरफ अल्लाह का कानून उसकी रहनुमाई करता है। अब आम तर्जुमा तो इसका यही चला आ रहा है, वो यादी में यशाओ सराद मुस्तकीम, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत दे देता है सीधे रास्ते की। तो जब अल्लाह ही जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है, तो फिर वो लोग जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनका कसूर क्या है? वो तो अल्लाह ने नहीं दी हिदायत उन्हें। तो ये तो धोखा जगह जगह लोगों ने खाया है, और एक बड़ी तादाद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी सब तर्जुमे से ऐसे ही करती चली आ रही है। मैं यशा का तर्जुमे ये दोनों होते हैं, वयहदी मैं यशा इला सिरात मुस्तकीम, मैं यशा जो चाहता है यहदी उसका कानून रहनुमाई करता है इला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। और इसका यह भी तर्जुमा होता है कि वो जिसको चाहता है, मैं यशा के दोनों मतलब होते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं मैं यशा जिसे चाहता है वो, मैं यशा जो चाहता है खुद। इसमें से ट्रांसलेशन ये क्यों लेते हैं? ये तो पूरी पूरी एक कौम को, पूरी उम्मत को, पूरी इंसानियत को जो है गुमराह कर रखा है, तकदीर के फलसफे में खोए हुए। यादी मैं यशा इला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह ही नहीं चाह, ये तुम्हारी अपनी, जो चाहता है उन मुसीबतों से बचना, जो चाहता है वाकई मुस्तकबिल की फ्यूचर की खुशगवारियाँ, वक्ती तौर पर चाहे कुछ उसके अंदर आजमाइशें आएँ और इम्तहान आएँ, जो चाहता है अल्लाह उसकी, अल्लाह का कानून रास्ता उसे दिखाता है, जो चाहता नहीं उसे कैसे रास्ता दिखाए जो खुद नहीं चाहता। मैंने कई बार मिसाल दी यहाँ पे, करीब तरीन मिसाल के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगा चचा अबू लहब, तो अबू लहब के वो उसने नहीं चाहा हिदायत कबूल करना, तो फिर नबी की दुआ भी काम नहीं आ सकती। ये तो उसकी अपनी चाहत के ऊपर है, वो अगर चाहे कि भाई हम जाने सही क्या है और गलत क्या है, जो चाहता ही नहीं। यहाँ बहुत लोग हैं कहते हैं साहब हमने, आप कहते हैं कि हमने ये समझाया, ऐसे दलील दी फला दी, इसे देखिए कि इसे पहले एसेस कर लीजिए, बहरहाल समझाइए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर वक्त नहीं लगाना है। जो जिसके बारे में महसूस करें ये सुनना नहीं चाहता किसी तरह की दलील है, ये किसी तरह का कुछ समझने चाहता ही नहीं, तो फिर जो नहीं चाहता उसका आप दुनिया की दलील ले दे दीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए कुरान की के अंदर, कुरान ने खुद कहा कुछ आयतें मुहकम हैं और कुछ आयतें, कुछ आयात मुतशाबे हैं, अब इसके बहुत मफहूम हैं, लेकिन आसान एक मुख्तसर बहुत पहलू हैं इसके अंदर तरह तरह के, लेकिन सबसे वाज़े जो इसका पहलू है इस कि कुछ आयात, ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 6 में कहा, कुछ आयात जो हैं वो इसके वो मुहकम हैं, कुछ जो हैं, और कहा कि इसके अंदर आयात जो हैं आयात मुहकमात हुन्न उमुल किताब, ये इसके अंदर आयात मोहकम है और वो है बुनियाद जड़ उम्मुल किताब। इनसे अलग हटकर किसी मुतशाबे आयत का कोई तर्जुमा नहीं किया जा सकता। मुतशाबे आसान जमान में ये समझ लें, जैसे मैंने कहा बहुत से पहलू हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अप्लाई होता है या सबसे ज़्यादा जो सामने आता है वो जिस पर शुबा हो या जिसके कई माने निकल सकते हों तरह तरह के। एक आयत जैसे यहाँ पर दो निकल सकते हैं, इस टुकड़े के दो माने निकल सकते हैं, एक से ज्यादा माने निकल सकते हो। मोहकम आयत वो होती है कि नहीं निकल सकते एक से ज्यादा माने, हर एक जो सुनेगा उसका एक मफहूम समझेगा। मतलब कुरान ने कहा कुल हक़ मिन रब्बिकुम, कह दो तुम्हारे रब के पास से हक आ चुका, ये अल्लाह का कलाम कुरान, तुम्हारे रब के पास से हक आ गया। फमन शाह फल युमिन वमन शाह फल युकफुर, अब जिसका दिल चाहे वो ईमान लाए और जिसका दिल चाहे वो कुफ्र कर ले। ये बहुत साफ है, इस आयत का तर्जुमा दुनिया में किसी ने भी इसके खिलाफ नहीं किया है, किया भी नहीं जा सकता, सिर्फ यही तर्जुमा होता है। इसमें भी वन शाह का लफ्ज आया, चाह जो चाहे, यहां अल्लाह के चाहने का जिक्र किसी ने नहीं किया है। फमन शाह फल्योमिन, अब जो कोई भी चाहे वो ईमान लाए। वमन शाह फल यकफुर, और जो चाहे वो कुफ्र कर बैठे, न ईमान का इनकार कर दे जिसका दिल चाहे। बहुत वादे ये मुहकम आयत है, इसको दो तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो फिर अब कोई कुरान की कोई आयत हम ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि इसके खिलाफ हो जाए। इसके तहत कर सकते हैं ऐसी आयत का जिसके दो तर्जुमे निकल रहे हों, अल्लाह चाहे तो सीधे रास्ते की तरफ जिसको चाहे रहनुमाई कर दे, और इसी के तर्जुमा ये है कि और जो चाहे उसकी अल्लाह का कानून जो है अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करेगा जो भी चाहेगा खुद। इसमें से कौन सा अडॉप्ट करेंगे? वो करेंगे जो मोहकम आयत के तहत आएगा, जिसके दो तर्जुमे नहीं मुमकिन है। अब सब यानी
ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, अजीम अक्सरियत, इसमें बहुत बड़े बड़े मुफस्सरीन और बहुत बड़े बड़े उलमा जो हैं वो शामिल हैं, वो तर्जुमा करते हैं, अल्लाह जिसके चाहता है उसको हिदायत देता है। तो ये तो सारा ये मजाक होकर रह जाता और कभी किसी की समझ में नहीं आया कि भाई जब अल्लाह ही नहीं जैसे चाहता है, जिसको चाहता है दे दी, जिसको नहीं चाहता उसको हिदायत नहीं दी, तो फिर वो क्या करें जिन्हें हिदायत नहीं मिली, अल्लाह ने नहीं दी। अब एक बात के उसके तहत नहीं हुआ, ये खिलाफ वर्दी कुरान की, ये दो तर्जुमे हैं, आप कौन सा अडॉप्ट करेंगे? वही तो करेंगे जो उसके मुताबिक है, जो मुहकम आयत के, उसके खिलाफ है नहीं लेंगे। फिर एक दूसरी बात, कुरान की चाहे मुहकम हो चाहे मुतर, कोई भी दो आयात एक दूसरे से क्लैश करेगी अगर, तो कहीं गलती हो रही है आपसे। तजाद नहीं मुमकिन है कुरान की दो आयतों में, कंट्रडिक्शन नहीं हो सकता। कुरान ने कहा, सूरह निसा की आयत नंबर 82 है, कुरान ने कहा कि लौ काना मिन इंदी गैर अल्लाह लवजदु फीह इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये गैर अल्लाह की तरफ से होता ये अल्लाह ये कलाम जो है अल्लाह की तरफ से नहीं होता, तो तुम्हें इसमें खूब इख्तिलाफ मिलते, इसमें कंट्रडिक्शन मिलते, तादाद मिलते। तो कुरान ने इसके अल्लाह का कलाम होने की एक दलील ये भी दी है कि इसमें तुम्हें कहीं तजाद नहीं मिलेगा, कंट्रडिक्शन नहीं मिलेगा, वरना ही गैरुल्लाह के कलाम में हुआ करता है, अल्लाह के कलाम में नहीं होता। तो अब एक आयत जिसके आप सिर्फ यही तर्जुमा कर सकते हैं कि जो चाहे वो ईमान लाए, जो चाहे वो कुफ्र करे, हक तो आ चुका है, अब हक के मुताबिक जो चाहे करे, जो चाहे उसके खिलाफ करे, एक तो आयत ही है। इसका कोई दूसरा तर्जुमा आज तक किसी ने नहीं किया है, किया भी नहीं जा सकता इससे मुख्तलिफ, वहाँ भी शाह के अल्फाज हैं चाहना। अब यहाँ दो तरह के तर्जुमे मुमकिन हैं और बहुत सी और आयात हैं जिसमें मुमकिन है, अल्लाह चाहे तो या इंसान खुद चाहे तो। तो इसमें से अगर ये ले लें कि अल्लाह जिसे चाहे रहनुमाई हिदायत दे दे और जिसे चाहे वो हिदायत से दूर कर दे, तो फिर ये उस आयत के खिलाफ होता है। अभी कुरान में कंट्रडिक्शन और तादाद आ गए, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें ये नहीं किया जाना चाहिए लेकिन हो रहा है और करते चले आ रहे हैं। ये धोखा क्यों होता है? ये धोखा इसलिए होता है कि हमारे यहाँ बाद हदीसों के नाम से वो चीज़ें आई हैं और जो बड़ी मुस्तनद किताबें मानी जाती हैं उनमें वो कहती हैं कि ये तो सब कुछ पहले से लिखा हुआ है कि कौन क्या करेगा, जहन्नम भी लिखी हुई है और जन्नत भी लिखी हुई है। तो वो सही रास्ते पे एक जा रहा होता है, फिर एक दिन जो है एकदम से गलत रास्ते पर हो जाता है, इसलिए कि लिखा ही था उसके लिए, इसलिए हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जितनी हैं सब कुरान के खिलाफ हैं, जहाँ जो, और इसने बजाय इसके कि कुरान के खिलाफ है तो उन्हें कैंसिल करते हैं, उनका नहीं, ये बड़े मुस्तनद लोगों की तरफ से, इसकी तो सनद बड़ी ज़बरदस्त है, इसलिए हम कुरान के अंदर तजाद लाएंगे, हम आयत का ऐसा तर्जुमा करेंगे चाहे टकराएं एक दूसरे से टकराएं, लेकिन हम तो यही करेंगे था इसलिए कि वो उन्होंने कहा है। नहीं नहीं, इन्होंने ये कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, इनके बीच में चार पीढ़ियाँ हैं, गल सब बहुत मुस्तनद लोग थे बीच में, सब ने जिनसे रिपोर्ट किया है, उन सब मुस्तनद से तुम जाके मिल लिए थे, आप सब मिले थे जाके, और जितनी झूठी गढ़ते थे और लाखों गढ़ी गई, जो गढ़ते थे वो भी ये सनदें बनाते थे, सनद भी गढ़ते थे साथ में, तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग अच्छे मुस्तनद लोगों की एक चेन ऑफ नरेशन गढ़ दी और साथ में लगा के दे दी ऐसी चीज़ें जिसने हर उम्मत के हर दौर को, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो ये हिंदू हो, और चाहे और दूसरे, सब भटकते रहे इसके अंदर, सब उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं खड़कता। तो पत्ते का खड़कने का निज़ाम तो वो है जहां पर किसी का इख्तियार नहीं है, तुम्हारे अमल के नतीजे के ऊपर तुम्हारा इख्तियार नहीं है, लेकिन तुम्हारे अमल के लिए अल्लाह ने तुम्हें आज़ादी दी है, इसके लिए तुम्हें बनाया था, पैदा किया था कि हम देखें तुम क्या करते हो। इसमें उसने किसी जगह पहले से डिसाइड नहीं किया और पहले से तय नहीं किया, तुम्हें अपना जन्नत जहन्नम खुद तय करनी है, तुम्हारा अपना इख्तियार है कि तुम क्या करते हो। तो अल्लाह सलामती की तरफ बुलाता है और वो जो चाहता है उसकी रहनुमाई करता है उस रास्ते के जरिए जो सीधा दारुस्सलाम चला जाता है, दारुस्सलाम सलामती के घर की तरफ। वो सलामती का घर यहाँ दुनिया के अंदर भी और जहाँ चारों तरफ तूफानों की खबर हो लेकिन लोग महफूज हैं, जो इस सिरात मुस्तकीम से नहीं हटे थे, जो और सिरात मुस्तकीम वो है जिसकी तरफ रहनुमाई की गई और इस दुनिया से जाने के बाद भी। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये चाहा? अब तर्जुमे में तो हमारे आम तौर से ये होता है, यहाँ भी ये लिखा हुआ है आपके लिए, मैं तफसील बता भी चुका हूँ और वाज़े कर दूंगा इस वक्त, जिन्होंने अच्छे काम किए,
आसनुल हुसना, जिन्होंने खूब अच्छे काम किए, जिल्लदीन आसनु अल हुसना व ज्यादा, उनके लिए, उनके लिए भलाई है, बल्कि इससे उससे बल्कि कुछ बढ़कर मिलेगी, उससे ज्यादा मिलेगा। एहसान, कई बार मैंने बताया एहसान है, ये एहसन अमल, इसका मादा है हुस्न, खूबसूरती, और खूबसूरती हो ही नहीं सकती जब तक एक तनासुब नहीं हो, जब तक प्रोपोर्शन नहीं हो, प्रोपोर्शंस हटे, तनासुब हटा, खूबसूरती गई। बहुत छोटी सी मिसाल बार बार बदलते, कोई तस्वीर है, खाका बना हुआ है, उसमें रंग भरना है, अगर रंग अंदर रह जाए, जगह जगह छुटी रह जाए, तो खूबसूरती नहीं आई, हुस्न में कमी रह गई, और अगर रंग बाहर निकल गया खाके से तो भी बर्बाद हो गया, तब भी हुस्न ख़त्म हो गया। तो हुस्न जो है वो तनासुब, प्रोपोर्शनेट काम करने से, यानी, और इसका उल्टा जब करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, इसे होता है हदें पार हो गई, वो हदें पार नहीं हो। तो अल्लज़ीन आसन, जिन्होंने काम किए ऐसे कि वो जब जो करना चाहिए था वैसे किया, जितना करना चाहिए था उतना किया, ये ज्यादती भी जो मना की है, ला तगलूफी दीनकुम, ये सिर्फ कुरान में है, दूसरी मजहबी किताबों में नहीं है, लेकिन उनके उनके ऊपर अमल करके दूसरों के ऊपर, ये यहाँ भी जोगी और जंगल और कहाँ कहाँ वो बड़े ऊंचे दर्जे के ऊपर माने जाते हैं, वो पहुँच गए जंगलों के अंदर और साहब इतने अरसे से, और वो तो कुतुब हो गए और वो क्या क्या बन गए लोग जाकर जंगलों के अंदर। ये संन्यास लेना, रहबानियत, ये तो सब दूसरे मजाहब की चीज़ें थी, यहाँ की कुरान तो नहीं कहता, कुरान मना करता है उसे। कुरान कहता है बैलेंस रखना, तवाज़ुन। मगरिब की बहुत आपको किसी दिन कैफियत बड़ी अच्छी हो तो यह चार रकातें पढ़ लेता हूँ, अभी ज़्यादा कर रहे हैं, कम थोड़ी कर रहे हैं। ला तगलूफी दीनकुम ही सिर्फ कुरान के अंदर है, ये दूसरी मजहबी किताबों में नहीं है, चीज़ें बदल गई, हुआ रहा होगा कभी। दीन में भी गुलू नहीं कर सकते, जितना कहा गया उसे ज़्यादा नहीं करोगे तुम, लिमिट्स दी गई, अच्छा करने की भी लिमिट्स दी गई। ये अच्छा करने की तो लिमिट है कि नबी से बेपनाह मोहब्बत और उनकी इताअत, जब ये लिमिट क्रॉस होती है उसी को खुदा बना लेते, आगे बढ़ गए। और दीन में तुम्हें लिमिट्स दी हैं, हुदूद दी हैं, अच्छाई में भी हुदूद दी हैं। अगर चार रकातें मगरिब की पढ़ ली तो नमाज कैंसिल, वो एक भी नहीं मानी गई, हुई ही नहीं, और जानबूझ कर किया तो ये तो फिर गुनाह अलग होगा कि आप सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि वो कैंसिल, बल्कि उल्टा गुनाह होगा, ये आप दीन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। जो कहा गया था उतना कीजिए, उससे आगे मत बढ़िए। लिल्लज़ीन आसनु अल-हुस्ना, जिन्होंने इस शक्ल में किया कि उनकी ज़िंदगी के अंदर तनासुब रहा, उन अहकामात के अंदर एक प्रोपोर्शन रहा, तो उनके लिए क्या अल-हुस्ना व ज़ियादा, तो उनकी ज़िंदगी जो है वो खुशगवारियों के साथ बैलेंस होगी, आइंदा ज़िंदगी यहाँ दुनिया में भी तवाज़ुन से जियेंगे, यही तो बदला दिया जाएगा उन्हें। वह ज़्यादा, इससे और आगे भी, इससे बढ़कर भी, ये सिर्फ इतना ही नहीं, इससे और ज़्यादा मिलेगा, इससे ज़्यादा खुशियाँ। कहा कुरान ने कि बहुत कुछ बताया जन्नत के बारे में, आखिरी दर्जे की बात क्या है, बहुत नेमतें गिना दें, मोटी से मोटी इतना हो जाए कि किताबें भर दी जाएं नेमतों की, फिर भी बहुत चीज़ें रह जाएंगी। और फिर हर एक की तमन्ना अलग है, हर एक की ख्वाहिशात अलग है। आपने अगर आप बैठकर अपने तसव्वुर से लिखना शुरू करें कि कितनी ऊंची नेमतें जो हैं वो लिखना शुरू कर दें कि साहब ये होना चाहिए जन्नत में, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो फिर ये आपकी अपनी ख्वाहिशात हैं, कुछ कुछ दूसरों की कुछ और हो सकती हैं, हर एक की तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुरान ने कहा लहुम, बात ख़त्म कर दी, लहुम मा यशाउन फिया, जो चाहेंगे वो मिलेगा वहाँ, इसमें सब कुछ आ गया। आप इसके अंदर आपके तसव्वुरात इतने ही नहीं, लहुम्मा यशाउन फिया व लदैना मजीद, तुम तो चाह भी नहीं सकते, तुम सब मिलके भी नहीं चाह सकते जो हम और दे देंगे। अरे तुम्हारी चाहने की, तमन्ना करने की भी लिमिट्स हैं, हुदूद हैं, उससे आगे तुम्हारा तसव्वुर ही नहीं जाएगा। हमें मालूम है कि तुम्हें इससे हम और जो कुछ तुम सब कुछ चाह सकते हो, बहुत सोच कर भी, व लदैना मजीद, हमारे पास इससे और आगे है, इससे ज़्यादा भी है। तो लिल्लज़ीना आसनुल हुस्ना, उनके लिए खुशगवारियाँ होंगी, व ज़्यादा, और बदला और बढ़कर मिलेगा। वला यहरको वजूहहुम कतरुन वला ज़िल्ला, और उनके चेहरों पर स्याही और रुसवाई जो है वो नहीं होगी। ये रुसवाई ज़िल्लत यहाँ दुनिया के अंदर,
लेदिन आसन लोसना। अब एक और इसका मफहूम समझ लीजिए, दूसरा, जिन्होंने दूसरों की जिंदगी में तवाज़ुन पैदा किया, उनकी जिंदगी में कमी क्या हो, क्या कहा है वालदेन से, उनके साथ में एहसान करो। यानी कुरान ने किसी जगह यह नहीं कहा हर कहना मानो उनका, एक जगह भी नहीं कहा है। होता है कि उनके फैसले कभी कभी आप जवान हैं, वो कुरान खुद कहता है अर्जलुल उम्र में पहुंच जाते हैं, तजुर्बात बहुत थे, सब कुछ थे, लेकिन फिर फैसले की ताकत जो है वो पहले से कम हो जाती है, सही कुव्वत फैसला, नए दौर के नए हालात का एक्सपोजर नहीं होता, तो बहुत से फैसले आपके बेहतर हो सकते हैं। तो कुरान ने कहीं ये नहीं किया इताअत लाजिम है, एहसान लाजिम है, उनके वालदैन के साथ में हुस्ना हुस्न सलूक ना, तो ये हुस्न एहसान क्या है जो वालदैन के साथ करना है, उनकी ज़िंदगी में जो कमी रह हो गई है ना तवाज़ुन में, उसे पूरी कर दो। ये है, अब कपड़े बहुत बना दिए वालदैन के लिए, अब आप कर रहे हैं काम, इनकम भी आपके हाथ में, वो बूढ़े हो गए, उनका बड़े अच्छे से अच्छे कपड़े दे दिए, अच्छे अच्छे से खाना, देखिए वो ये लोग तो घर वहाँ जाके ओल्ड एज होम में डालाते हैं ना, हम बहुत ख्याल रखते हैं, एसी भी लगा दिया है वहाँ उन कमरे के अंदर उनके, और वक्त पे खाना मिलता है बड़ा अच्छा खा, जैसा उनको चाहिए वो सब मिलता है, उनकी ज़िंदगी में जो कमी है उसे पूरी कर दो। सबसे ज़्यादा तो ये चाहते हैं थोड़ी देर बैठो उनके पास, अब आप आए निकले आए निकले आए निकले, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तन्हा, उन्होंने तो नहीं किया था तुम्हारे साथ ये कि तुम्हें एक तरफ डाल दिया और खबर ही नहीं ली हो फिर उसके बाद कि भाई खाने पीने का इंतज़ाम होता रहे, तो जो कमी ज़िंदगी में उसे पूरी कर दो, ये तवाज़ुन तब आएगा ना। तो उन जो दूसरों की ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें, अब ये ओल्ड एज होम में जाते हैं तो उनको सामान कम चाहिए, जो चीज़ नहीं है दे दो, लेकिन जगह जगह से मिलती है एड, असल ये है कि वो ये चाहते हैं कि कोई बैठकर बात करे, जिसकी ज़िंदगी में जो जो कमी आ रही है उसे कर दो पूरा, ये यानी तवाज़ुन पर ले आओ दूसरों की ज़िंदगी को। तो ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा किया और जो कमी थी उसे पूरा किया, तो उनकी ज़िंदगी में भी तवाज़ुन पैदा हो जाएगा, खुश रहेंगे, खुशगवारी की ज़िंदगी होगी, कमियाँ जो हैं वो दूर होती चली जाएंगी, वो कमियाँ जो दुख देती थी, ये भी मतलब है इसका। और ज़्यादा यानी ये तो वो तवाज़ुन, लेकिन इसके साथ ही वो दुनियावी मता और साजो सामान वो भी मिलेगा साथ में, ये और ज़्यादा है उसके साथ साथ, जो तुम्हारी वो जो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में जो बैलेंस आ जाएगा उसके ऊपर से, उस साथ में ये है कि और दुनियावी मता जिसका जिक्र हो रहा था वो भी मिलेगा। उलाय का इनको जिल्लत नहीं छाई होगी, जिल्लत और रसवाई नहीं होगी, रसवाई वाले चेहरे अलग होते हैं जो नज़रें बचाते हैं, काज उनके रू स्याही जिसे कहते हैं, चेहरों पर स्याही, ये मुहावरा है रू स्याही, काला नहीं हो जाता लेकिन चेहरे अलग पहचाने जाते हैं, जो दूसरों से अपने आप बचाना चाहते हैं, नज़रें ना मिल जाएं, इनसे भी शर्मिंदा, इनसे भी शर्मिंदा, अब वो हालात आ गए कि जहाँ सब सामने खड़े हुए फंसे हुए तकलीफ़ों के अंदर या परेशानियों के अंदर, और फिर वहाँ पर भी ऐसे ही होगा, उनके लिए ज़िल्लत और उनके लिए रसवाई नहीं होगी। उलाइक असहाबुल जन्ना, ये वो लोग हैं जो जन्नतों वाले हैं, हुम फिया खालिदून, इस हालत में वो रहेंगे यहाँ दुनिया में भी और वहाँ दुनिया से जाने के बाद भी। देखिए ये एक मिसाल और कुरान ने दी, और ये इसलिए दे रहा हूँ मैं कि कुरान ने भूख को भी अजाब कहा है, अल्लाह वाले हैं बहुत से, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अगर कुछ इख्तियारी था उनका, जो कुछ था उन्होंने अगर अपने आप फ़क्र लिया या गरीबी ली तो अपने इख्तियार से ली, जिस दिन चाहते तो बहुत अच्छा कमाने लगते, अपने चॉइस से उन्होंने ले ली। और एक ये कि इंसान अपने अमाल के नतीजे में फंस जाए, अपने फैसलों के नतीजे में फंस जाए, गलत फैसलों के नतीजे में फंस जाए, और उसके बाद फिर वहाँ उसके साथ भूख का मसला खड़ा हो, तो ये भूख अपने आप में एक अजाब, कुरान ने कहा भूख अजाब है, इसलिए जन्नत में कहा वहाँ तुम्हें भूखे नहीं होगे, वहाँ भूख नहीं होगी, वहाँ प्यास नहीं होगी, वहाँ शेल्टर होगा, वहाँ खुला आसमान नहीं होगा कि तुम तपते रह जाओ, और तुम्हारे तुम नंगे नहीं होगे, ये चार चीज़ें कहीं सूरह तहा के अंदर, रोटी कपड़ा मकान और पानी की अहमियत पहले नहीं थी, आज मालूम होती है पानी की अहमियत, और पानी अब तो दुनिया में जगह जगह से पानी जो है जब और कम होता चला जाएगा, ये चीज़ें फ्रेश, लेकिन जितनी तुम्हारी ज़रूरत है उतनी, और तुम्हारी ज़रूरत जितनी चाहोगे जितनी ज़रूरत होगी उतनी मिल जाएगी, उससे ज़्यादा चाहोगे भी नहीं, जब हर चीज़ हर वक्त जब चाहो तुम्हें मिल जाए तो फिर तुम स्टोर नहीं करोगे, ज़रूरत चाहे अभी मिल गई। ये जितने जानवर हैं, जितने परिंदे हैं, जितने दरिंदे हैं, निकले भूख का,
पेड़ों पे से सुबह को झुंड के झुंड चिड़ियों के जा रहे हैं, रात को आराम किया था, कहाँ जा रहे हैं, दाना चुगने जा रहे हैं। उनमें से किसी को भी फिक्र ही नहीं होती आज दाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबको मिल जाता है। शाम को आते हैं सबके पेट भरे होते हैं, कोई एक्स्ट्रा लेकर नहीं आता कि रख लें। ये सिर्फ इंसान करता क्या, रख लें अगले साल के लिए, रख लें उससे भी अगले साल के लिए रख लें, बड़ा गोदाम भर लें। तुम मेहनत करो तुम, और उसके बाद काम करो। ये भरने के, ये जो तुम भर रहे हो इसके बदले उनकी भूख पूरी कर दो, जो जिनका पेट नहीं भरा है, जो परेशानी के अंदर है, उनका इंतजाम करो ना। जन्नत में क्या होगा, फिक्र ही नहीं है। जब जो अगर तुम्हारे सामने ही आ जाए, जब जितना स्टोर करने लगते हैं, अगर उन्हें ये पता चल जाए जब जो मांगेंगे मिल जाएगा, तो फिर स्टोर कैसे करे, क्यों करेगा कोई। इस डर से करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ना मिले, तो फिर जन्नत में कुछ स्टोर करने की जरूरत ही नहीं होगी। जो जो ख्वाहिश हुई वो पूरी हो गई, तो वहां कोई स्टोरेज नहीं होगा। ये भूख जो है, मैं ये कह रहा था कि इसे भी कुरान ने अजाब कहा है। देखिए ज़रब अल्लाह, एक मिसाल और है, ये सूरह नहल में है, आयत नंबर 112। ज़रब अल्लाह मसलन क़रियतन, अल्लाह एक मिसाल एक बस्ती की देता है, मिसाल है ये, यानी ये बात जगह ऐसा हुआ है जहाँ अल्लाह ने ये कह के बात शुरू की, एक मिसाल दे रहे हैं। वहाँ लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया कौन सी बस्ती थी, फ़लाँ तारीख में कौन से नबी के दौर में कौन सा गाँव था। मिसाल है ये, हर एक उस मिसाल पर गौर कर ले। एक बस्ती थी, कानत आमिनतन मुतमईनतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ली मकान, बहुत खुशी इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसलिए गुजार रहे थे कि उससे पहले के उनके अमाल ऐसे थे, उनके पास उनका रिस्क जो है वो चारों तरफ से पहुंच जाता था, रोजी की ऐसी फरावानी थी, कोई परेशानी ही नहीं थी। मिनकुल्ले मकान, उसके बाद फिर उन्होंने नाशुकरी शुरू कर दी। जब बढ़ जाता है तो इंसान नाशुकरी करता है, तो फिर अल्लाह ने उनको जो जायका किन चीज़ों को उनके उनके अमाल के सबब चखाया, जूड़ वल खौफ, खौफ और भूख, बीमा कानू यसनऊन, जिस तरह की वो फंदे बनाते थे। यसनाउन इसी से है सनत इंडस्ट्री, जिस तरह की चीज़ें गढ़ते थे वो और बनाते थे, ये शुरू कर दिया था उन्होंने। उसके नतीजे में, उन अमाल के नतीजे में खौफ और भूख, ये उनके ऊपर अल्लाह ने लाद दी। तो ये भूख को भी अजाब का है, लेकिन भूख दूर होने का ये मतलब नहीं है कि इंसान लालच में अच्छा खाए, जायकेदार चीज़ें हैं और उसका पेट भर जाए। ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हम महंगी चीज़ें लेंगे, महंगी से ज़्यादा ज़्यादा, महंगी से महंगी महंगी, हो सकता है ये सस्ती चीज़ें जो कम पैसों की उससे कहीं बेहतर, जो महंगी से महंगी चीज़ें। भूख न सताए, लिबास तुम्हारे अलमारियाँ के अलमारियाँ भरी हो, ये ज़रूरी नहीं है तुम्हारा तन ढकने के लिए इज्जत के साथ में अच्छा पहनने को हो, तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरियात नहीं हुई इंसान की। तो उनके ऊपर तो फिर अल्लाह ने ऐसा किया, और फिर उसके बाद में ये तो था जन्नत वालों का, या वल्लदीना कसबु सैयात, और जिन्होंने हसनात के मुकाबले में जब सैयात को लाए, हसनात वही जिन चीज़ों में हुस्न बैलेंस, तो वही कि जहाँ ना हमवारी है, जहाँ बैलेंस नहीं है, वो जिसे हम बुराई तर्जुमा करते हैं, बुरे काम तभी हो जाता है जब बैलेंस तवादुन नहीं रहता। तो जिन्होंने ये कमाया और ये किया, जजाओ सैयतिन भी मिसलिहा, वहाँ एक्स्ट्रा नहीं, उनको उतना ही बदला मिल जाएगा। अच्छे लोगों को तो कहा कि हम और बढ़ा भी देंगे, ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उतना ही मिलेगा उसका बदला जितना उन्होंने किया था, जो उनके अमल का बदला उतना ही उनको वापस मिल जाएगा। बिमिसलिहा वतरहकुहुम ज़िल्ला, और उनके ऊपर फिर ज़िल्लत और रुसवाई जो है छाई होगी। मालहुम मिनल्लाह मिन आसिम, उससे कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब जहन नहीं जा रहे होंगे आपके, दुनिया के अंदर 50 से ज़्यादा, 55 के करीब अलग अलग गिनतियाँ हैं, मुस्लिम अक्सरियती ममालिक हैं, वहाँ ज़िल्लत है या लोगों के ऊपर जो छाई हुई है उनके ऊपर भी, हुक्मरानों के ऊपर भी ज़िल्लत छाई हुई है, या खुशगवारियाँ हैं और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारते हैं। वो भी जो बेपनाह दौलतमंद हैं, उनके ऊपर भी दूसरों के कब्जे हैं, वो जब उसकी अपनी मर्जी से, वो इंटरनेशनल कंट्रोल के अंदर वो चाहें कुछ दुनिया का, मुसलमानों का भला करना तो नहीं कर सकते जो बंधे हुए हैं। और फिर और दूसरे बाकी बड़ी तादाद तो कहीं से निकाले जा रहे हैं, कहीं से मारे जा रहे हैं, कहीं फाकों मर रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं, कहीं एक दूसरे को फाके में मुब्तला किए हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये ज़िंदगियाँ जो हैं वो कुल मिला के एक बड़ी तादाद की, वो ज़िल्लत की ज़िंदगी है और रसवाई की ज़िंदगी है। या ये हंसते हैं लोग और मजाक उड़ाएंगे उसे,
छोटे छोटे थे मुल्क जो गैर इस्लामी, जहां पर मुसलमान नहीं के बराबर है या नहीं है या नहीं के बराबर है, बेपनाह खुशहाल हैं, बहुत अच्छी दौलत है, अपने रहते हैं, सुकून से रहते हैं, कुछ नहीं होता वहां, परेशानियां नहीं होती, और बड़े बड़े मालिक में भरे पड़े दुनिया के अंदर। इनका टोटल कलेक्शन सबको अगर मिला लिया जाए तो ये सबसे नीचे ही है दुनिया के दूसरे नंबर की आबादी, बाकी दूसरों से सबसे पीछे हैं। ताकि उनके ऊपर इस है क्या, और कसब उस सही है आते, इन्होंने ना हमवारी की जो है, उनके अमाल ऐसे थे जो कुछ उन्होंने कमाया उसका बदला उनके सामने अब है, मौजूद है, और वो मुरतब होकर आया है। और ये कुछ ज्यादा नहीं है का, उतने ही दे रहे हैं जितने इन्होंने गड़बड़ की थी, उससे ज्यादा नहीं फंसाया इनको। उनके चेहरों के ऊपर जिल्लत छाई होगी, उनके ऊपर जिल्लत छाई होगी, मिनल्लाह मिन आसिम, और अल्लाह के कानून से फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा उन्हें कि कोई उनकी रेस्क्यू को आ जाए और उनको कोई बचा ले उस जिल्लत से। कानमा ओशियत वजूहुम क़ित्अ मिनल्लैल मुज़लिमा, अंधेरी रात की तह पर तहें, तहों पर तहें, क्या अंदाज है कि एक तय जैसे दूसरी परत हो तीसरी हो, इतना अंधेरा जैसे छा जाए, कोई जैसे पढ़ते हो बहुत से, उनको उनके जैसे चेहरों पर उड़ा दी गई हों। उलाए का साबुन नार, ये हैं आग वाले, हुमफिया खालिदून, और इनको आग में रहना होगा। यहाँ दुनिया की बात भी हो रही है, इनको आग में रहना होगा, और वहाँ यहाँ से जाने के बाद तो परमानेंट है। वह यौमन आशरूम जमीया, और जिस दिन हम उन सबको फिर इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे सबको, कुल सबको इकट्ठा करेंगे। सुम्म नकूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, और वो फिर उसके बाद जिन्होंने शिर्क किया था उनसे कहेंगे अच्छा ज़रा रुको, अब देखो तुम ज़रा सब, पहले तो यही देखो कि इसकी बात तो अलग रही कि तुम्हारे पास अंजाम क्या आता है, ये भी देखो कि तुम्हारे तुम जिन लोगों के साथ में थे और जो तुमने अपने गुट बनाए हुए थे वो उन वो सब भी तुम्हारे साथ पहुँच रहे हैं, ये ज़रा सा देखना कि होगा क्या। लेकिन ज़रा रुको, अपनी जगह देखो तुम, तमाशा देखना। यौम नाशरूम जमिया, जिस दिन हम ये करेंगे फिर उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया था उनसे कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक ज़रा सा दर ठहरो, और ठहर कर अब देखो कि तुम्हारे अपने बीच में क्या होता है। फ़ज़ैलना बैनहुम, हम उनमें फूट डाल देंगे, हम नहीं डाल देंगे, ये कहने का अंदाज़ है। फिर कानून ये है हमारा कि फिर उनके अंदर वहाँ उस हालत में उनके अंदर फूट पड़ेगी। वकाला शुरकाउहुम मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, वो कहेंगे नहीं हमारे तुम पीछे नहीं चलते थे, ये लीडर कहेंगे जिन्होंने तबाह किया, जो जिन मजहबी लीडरों ने तबाह किया लोगों को कहेंगे ना ना हम तुम हमारे बंदे नहीं थे, हमारे पीछे नहीं चलते थे, हमें पता ही नहीं, हम नहीं जानते तुम्हें, तुम हो कौन, वो तो पूरी पूरी भीड़ थी जिन्हें कंट्रोल करते थे। माँ कुन तुम याना ताबुदून, तुम हमारे बंदे नहीं थे, यानी हमारे कवानी हमारे पीछे चलना हमारी हर बात में इताअत करना तुम लोग, हमें नहीं पता कौन हो। कुरान ने बहुत सी जगहों पर दिया है, बास जगह काफ़ी तफसील से दिया है, अहले जहन्नम के अंदर वो लोग जो लीडर थे, मदहबी लीडर हों, चाहे वो दौलत वाले लीडर हों, चाहे वो सियासी ताकत वाले लीडर हों, सियासत वाले लीडर हों, और बाकी भीड़ उनके पीछे चलती थी, इनमें आपस में जो फूट पड़ेगी और एक दूसरे से जो कुछ कहेंगे वो कुरान ने बहुत सी जगहों पे कहा है। मैंने बड़ी तफसील से पहले हवाले दिए, मैं सिर्फ तीन आयतें यहाँ पे रख रहा हूँ। सूरह बकरा की आयत 167, वकाल लजीना तवाऊ, वो जो पैरवी करते थे पीछे चलते थे इत्तबा करने वाले फॉलोअर्स, वो कहेंगे लव अन्ना लाना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, के काश एक बार हमें मौका और मिल जाता तो हम तो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, बेदार हो जाते, शक्ल भी नहीं देखना चाहते अगर जब जाए ऐसे, आज ही हमसे बेदारी की बात कर रहे हैं। सूरह साफ़ात छोटी छोटी सी दो आयतें हैं 29-30, कालू बल्लम तकुनु मोमिनीन, जय इन पर इल्ज़ाम लगाएंगे इन्होंने हमें तबाह किया, ये थे इनके पीछे, उन्होंने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम अपने मफाद के लिए थे हमारे पीछे, तुम्हारे अपने दिलों में ईमान नहीं था, ईमान होता तो हमारे पीछे चलते ही नहीं, हमारे फॉलो ही नहीं करते हमें तुम। कालू बल लम तकुनु मोमिनीन, ये तुम्हारे अपने अंदर ही ईमान नहीं था जिसकी वजह से तुम अपने मफाद की वजह से आए होगे हमारे पीछे। माकान अलना अलैकुम मिन सुल्तान बल कुंतुम कौमन तागीन, हमारा तुम्हारे पास जोर थोड़ी था, हमने कहा था हमें वोट दो, हमने कहा था कि वो हमारे चमचे बनकर फिरते रहो चारों तरफ, हमने तुमसे कहा था ये कि हर कीमत पे तुम्हें जो है हमारी जो जो कुछ हमने फैला दिया है उसको तुम्हें मानना है, ये हमने कहा था, मजबूर थे तुम क्या, अभी जो भी कहा लेकिन क्या मजबूर थे, हमारा तुम्हारे पर कोई जोर था,
जितने लोगों को हजरत बनाया, जिनके साथ 20-20 लोग जाते हैं, चारों तरफ चलते हैं, इनमें से पता नहीं कितने ऐसे होंगे और खूब ठाट से वो गरीबों की जो जकात जा रही है वो सब खा रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इनकी करोड़ों की जायदाद बढ़ती जा रही है, ये सब देख रहे हैं। उनका क्या जोर है इनके ऊपर कि नहीं हमारे पीछे चलोगे, हमारी सुनोगे? खुद कर रहे हैं, अपनी चॉइस से वोट देते हैं जिन लीडरों को देते हैं, अपनी चॉइस से उन मजहबी लीडरों के पीछे चलते हैं जिनकी जायदादें बढ़ती चली जा रही हैं, वो जो जकात में गरीबों को जाना चाहिए था, ये सब अपनी चॉइस से करते हैं। अपनी चॉइस से उन सरमायादारों के पीछे जो है वो उनके तलवे चाटते फिर रहे हैं, वो भी अपनी चॉइस से कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि तुम्हें आगे करना है, तुम हमारे पे, तो वो ये कहेंगे कि मा काना लना अलैकुम मिन सुल्तान, हमारा तुम्हारे ऊपर कोई जोर था, प्रेशर था, बल्कि तुम कौमन तागीन, तुम खुद ऐसे लोग हो जो सरकश लोग हो, तुम्हारे अपने दिलों में सरकशी थी। वहां पे उल्टा जवाब फॉलोअर्स को उनसे जो पीछे अपने चलाते थे ये मिलेगा। सूरह नंबर 38 सूरह स्वाद ऐसे इन ज़ालिका लहक़ुन, ये हक है, तकासुम अहलिन नार, ये लाजमन होगा जहन्नम में, जहां जहां जितने होंगे वहां पे आप ये झगड़े चल रहे होंगे, अलग अलग गिरोहों के अलग अलग फॉलोअर्स जो हैं वो अपने अपने जो उन्होंने दुनिया में चलाया था लीडर, ये झगड़ना, ये बिल्कुल हक बात है कि ऐसा होगा। और ज़्यादा तफसील से, ये अलग अलग जगह ली ना, ज़्यादा तफसील से अगर आपको देखना हो तो इसे सुन ले, बड़ी तफसील के साथ में है, ये मैंने वो दे दिया है कि ये दे चुका हूँ ना सूरह आराफ में बहुत तफसील के साथ में, ये इतनी जगहों पर उन इनके मुकालमे हैं कन्वर्सेशन, वो जो अपने पीछे चलाते थे ये जो पीछे चलते थे। सूरह बकरा के अंदर सूरह नंबर 2 आयत नंबर 165 167, सूरह आराफ में वही जिसका पीछे आपको हो दिया मैंने, वहाँ पर बहुत से हवाले दे दिए, 38 47 आयत नंबर 38 एंड 39 सूरह 7 का, सूरह 14 सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 21 22, सूरह नंबर 38 यानी सूरह स्वाद की आयत नंबर 59 से लेकर 64 तक, 59 60 61 62 63 64, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैसा है तफसीली, यानी कह लें हालांकि आयतें गुलचारी हैं। सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 47 से 50 तक, सूरह अहज़ाब 33 आयत नंबर 67 से 68, सूरह सबा 34 आयत नंबर 31 32 33, और अस्साफ़ात 37 में आयत नंबर 27 28 29 30 27 से लेकर 30 तक। ये हैं उनके आपस के कन्वर्सेशन जो जहन्नम के अंदर होंगे, जो कुरान ने जगह जगह दिए हैं पढ़ने के हैं, यानी खाली तर्जुमा ही पढ़ लीजिएगा, अगर उन उसको देखें तो वहाँ पर तो इनमें से ज़्यादातर के रेफरेंसेज आ गए होंगे उस दर्स के अंदर जो इससे पहले मैंने दिया था जो यूट्यूब के ऊपर है सूरह आराफ का। लेकिन अलग से खाली इनके ट्रांसलेशन भी पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या क्या धोखे यहाँ पर होते थे और वहाँ जाने के बाद हालत क्या होगी, और वो कह देंगे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कफा बिल्लाह शहीद हम बैना व बैनकुम, अल्लाह गवाह है हमारे तुम्हारे दरमियान, इन कुन्ना इबादतिकुम लगाफिलीन, हमें पता ही नहीं तुम तुम्हारी भीड़ में से हमारे थे, हम तो पहचाने नहीं थे, आज भी नहीं पहचानते, जब भी नहीं पहचानेंगे थे कौन, हम गाफिल थे, हमें पता ही नहीं था कि तुम हमारी बंदे थे, बने हुए थे हमारे, तुम हमारे आर्डेंट आंखें बंद करके हमारी बातों पर अमल करने वाले थे, हमें अल्लाह गवाह इस बात का हम नहीं जानते थे, ये तो पूरी पूरी भीड़ हमारे साथ में लग जाती थी। हुनालिका तबलु कुल्लु नफ्सिम मा असलफत वरुद्दू इलल्लाह मौलाहुमुल हक वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और फिर जब इम्तिहान होगा, जो जांच होगी, जो परख होगी, वो जो कुछ भी हर नफ्स की जिसने जो कुछ किया था वो उसका फिर वहाँ पर जो असेसमेंट होगा वो अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे जो उनका मौलाहुम हकीकी मालिक है, और वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और ये सब जो गच्चे देने की बात है, गुमराह करने की, डॉज देने की, वो चीज़ें निकालने की दीन के नाम के ऊपर जो चारों तरफ फैली हुई हैं कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है ना, जन्नत कहाँ से, अरे रसूलल्लाह तो एक को भी नहीं छोड़ेंगे उसके अंदर, जहन्नम के अंदर कोई बचेगा ही नहीं जिसको निकालने लाएंगे, अब तो इत्मीनान से रहो तुम, बस हमारे पीछे चलते रहो। ये जिस तरह के इन्होंने गड़े थे सब, वो सब उस दिन खो जाएंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसा होंगे जैसे गई कहाँ, ये कोई हकीकत है ऐसी चीज़ के हकीकत वो है जो मौजूद रहे, और वो गुम हो जाएंगे का मतलब गायब, अब वो सब ऐसे अफसाने थे जिनका मालूम हो जाएगा कि कोई वजूद नहीं था, हम बिला वजह इनको समझते रहते, जो कुछ भी वो घड़ा करते थे उस दिन वो सब उनसे गुम हो जाएगा। तो हम आयत नंबर 30 तक पहुँचे, 30 तक
سورہ یونس کی 10:30 تک انشاءاللہ زندگی رہی تو 31 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے اگلی مرتبہ. سبحان اللہ.